हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी वी में। हमेशा की तरह हम लेके आ गए कुछ नौ का कुछ अविश्वसनीय। गाइस आज हम करने लगे हैं बिरयानी कंपैरिजन, जिसमें हम ट्राई करेंगे सस्ती बिरयानी, मिड रेंज की बिरयानी और बहुत ही ज्यादा महंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आज हम करने लगे वेज बिरयानी कंपैरिजन। वैसे तो उधार इस कॉन्सेप्ट को नकार चुका है कि वेज बिरयानी कुछ होती भी है। मैं कहना ही नहीं चाहता, मैं इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। आप ना कमेंट सेक्शन में बता दो वेज बिरयानी होती है या नहीं होती है। आज हम कलेक्ट करने वाले हैं हर तरीके की बिरयानी, जिसमें कि सस्ती से लेके महंगी से लेके बहुत महंगी तक हम बिरयानी खरीदेंगे और बताएंगे कि उसमें क्या फर्क। वैसे हमने सस्ती बिरयानी भी खाई हुई है, महंगी भी खाई है, बहुत महंगी भी खाई है, पर हमको ना इकट्ठे नहीं खाए और डिफरेंस नहीं पता कि क्या है। और आज वो डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे और वो चीजें ना इकट्ठे खाने में ज्यादा पता लगेगा कि सस्ती बिरयानी और महंगी बिरयानी में इतना कौन सा टेस्ट का फ्लेवर का, क्योंकि प्राइस में तो बहुत फर्क है, प्राइस में बहुत प्राइस का बहुत ज्यादा फर्क है। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं मार्केट और खरीद के लेके आते हैं बाजारू सस्ती वाली बिरयानी। थप्पड़ कैसे मारा तूने? ओए कैसे मारा? ओए होए होए, खान साहब ने पहले ही बिरयानी पूरी पैक करके रखी है, डिमांड ही बहुत है। सो गाइस ले लिया हमने सस्ते वाली बिरयानी, इसकी कॉस्ट है 70 रुपीज एंड देखने में पोर्शन साइज तो शानदार लग रहा है। अब प्राइस क्या होगा? बिल्कुल देसी वाली पैकेजिंग है अपनी, एकदम सिल्वर वाले उसमें डब्बे में पैक करी हुई है और साथ में है अपनी टिपिकल फूड ब्लॉगर जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि देखो पैकेजिंग इसकी कैसी है। अब चलते हैं महंगी वाली, देखते हैं वो कैसी होगी। लेके आ चुके हम अपनी सस्ती बिरयानी, उससे थोड़ी महंगी बिरयानी और उससे बहुत ही ज्यादा महंगी बिरयानी और उससे बहुत ही ज्यादा महंगी बिरयानी। ओए होए होए, जो दिल्ली बॉम्बे हैदराबाद हर जगह रहते हैं ना, वो कमेंट कर दो कि उनकी बिरयानी कैसी मिलती है और कितने की मिलती है। ये देखना यार सबसे सस्ती बिरयानी कितने की खाई होगी आपने। आ गया रेडी टू ईट, ये है 80 रुपीज की और मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगता है 80 रुपीज में एक बंदे के हिसाब से भी अगर पोर्शन हुआ तो अच्छा है एंड थोड़ा ब्रांड आ जाता है इसमें और हाइजीन मेंटेन हो जाता है। हाँ, वो तो 80 रुपीज की गुड अमाउंट। ये है हमारी 700 रुपए वाली बिरयानी जो कि है बारबेक्यू नेशन की। ये हमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इसलिए हमने ऑर्डर किया है। खोल के देखेंगे कि इसमें से क्या निकल। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं मैं इसके लिए क्योंकि इसका डब्बा बहुत ज्यादा बड़ा है। लास्ट में जो सबसे महंगी बिरयानी है यार, गेस करो कितने की होगी। वैसे तो थंबनेल पे देख ही लिया होगा, ये है 800 रुपए की, वो भी वेज बिरयानी। वेज पुलाव लगा लो अंगार के हिसाब से, वेज पुलाव हो गए तो मतलब क्या डाल दिया होगा इसमें। इसने चावल के ऊपर क्या मीनाकारी की होगी? मतलब मुझे लग रहा है गोल्ड प्लेटेड तो नहीं कहीं इसके अंदर बिरयानी। तो ऐसा करते हैं चेक करते हैं एक एक चीज और आपको दिखाते हैं। चेक करते हैं बारबेक्यू नेशन वालों ने अपने बॉक्स के अंदर क्या दिया है। बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है यार ये फिश। पैकिंग के तो 100 नंबर बनते ही है। सही बात है, लास्ट टाइम भी हमने इनका अनबॉक्स किया था, बड़ा मजा आया था। ये चटनिया, चटनिया क्या बात है। ओए मुक्ति तेरी फेवरेट फिरनी फिरनी फिरनी। ये क्या है? ये क्या? ये ब्राउनी। ओ भाई साहब, बाद में टेस्ट करेंगे इसको, पर मजा आ गया देख के। छोटी छोटी गुलाब जामुनी, मिनी गुलाब जामुन यार, अभी से पानी आने लग गया मुंह में सच्ची में यार। और ये सब कुछ जो आया है ना, ये है 700 रुपीज में, वैरायटी तो है पूरी। वो क्या चीज थी? सालन है, सालन होएगा शायद, सालन है, ग्रेवी जैसा, जैसे पनीर मखनी की ग्रेवी होती है वैसा। ओए होए 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 होए, सब्जी मिक्स वेजिटेबल, मिक्स वेज, वो भी कुछ अलग तरह की है। ये रायता है, ये बाद में देखेंगे। ओए होए होए, इस डब्बे में क्या होएगा? ओ ओ पनीर, पनीर मतलब पूरा इन्होंने स्टार्टर स्वीट जो चीज आपको चाहिए हो सकती है ना वो दे दी इन्होंने। शादी की केटरिंग से सामान उठा के दे दिया इन्होंने। ओए होए कबाब, ओ पाइनएप्पल, पाइनएप्पल क्या बात है। सब जिसको पाइनएप्पल पसंद है ना यार बताओ, वो भी रोस्टेड रोस्टेड पाइनएप्पल। और अब है 3 डब्बे। ओहो, ये 3 डब्बे निकाले जाए, ये है बिरयानी के 3 डब्बे। ओए, एक बिरयानी, दो बिरयानी, तीन बिरयानी। तो मेरे ख्याल तीनों के फ्लेवर शायद अलग होंगे। अभी बात खाने लग जाना यार, ये तो खा के बताना पड़ेगा। तीनों के फ्लेवर अलग है, सेम है। बारी आ गई है सबसे महंगे वाली बिरयानी की, ये है 800 रुपए की बिरयानी। पर यार देखा जाए ना साइज बहुत अच्छा है, मतलब अब खोल के पता चलेगा। पर 800 रुपए की वेज बिरयानी। बिरयानी नहीं, वेज बिरयानी। ये चेक करो यार मीनाकारी की है चावल पे या नहीं। मीनाकारी तो हांडी दिख रही है। ये हम बाद में खोलेंगे, पर इससे पहले इन्होंने बहुत अच्छी चीज दी है कि अगर आपकी बिरयानी ठंडी हो जाए तो उसको गर्म करने के लिए इन्होंने इंतजाम भेजा है, जिसके अंदर है दो छोटी छोटी कैंडले। इंस्ट्रक्शन ये दी हुई है यहाँ पे, उन्होंने बोला है कैंडल को बाहर निकालो, आग लगाओ, अंदर रखो। तो मतलब कि एक तरीके से 800 रुपए में शोशेबाजी पूरी है, पूरी 100%। अब इसके ऊपर रखनी है हमने
बिरयानी। इसको रखना है 8 से 10 मिनट के लिए। पर मुझे सच्ची बताओ, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है गर्म हो जाएगी। दो छोटी छोटी मोमबत्तियों से कैसे गर्म हो जाएगी, भगवान ही जानता है। चलो देखते हैं, लेट्स सी आफ्टर 10 मिनट्स व्हाट हैपेंस। सो गाइस, दिस इज द बिरयानी व्हिच इज 10 रुपीस मोर एक्सपेंसिव देन द सस्ती वाली बिरयानी। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इजी, लाइक 3 to 5 मिनट इन उबलता पानी, बिरयानी रेडी। या दिस इज द पैकेट, इज द, इसको पानी में डालेंगे, इस द, देन शोइंग यू व्हाट द बिरयानी कमिंग इज द। सो गाइस, सबसे पहले ट्राई करने लगे हम 70 रुपए वाली बिरयानी, जो सत्तर नहीं 70। ये है वेज बिरयानी, जिसको ओंकार नहीं मानता है कि बिरयानी होती है। मतलब मैं तो ये टॉपिक पे बात करना ही छोड़ दिया यार। पर अच्छी लग रही है, क्या खुशबू आ रही है चिकन दे दी। भाई साहब, ये बिरयानी आ गई है, ये असली बिरयानी आ गई है। हमने उसको बोला था वेज बिरयानी देने को, ये आ गई चिकन बिरयानी। ये तो सिर्फ वो कार के लिए बिरयानी आ गई, मतलब भगवान भी कह रहा है कि भाई ये तो बिरयानी है। मारो, कोई मुझे मारो। जब बात पलट दी ये मुझे लगा इसने कान में बोला उसके लड़के के। जैसे देखो ये बैंगन है, क्या है ये? भाई साहब, उसको वेज बिरयानी बोला ना, और 70 रुपए में एटलीस्ट नॉन वेज बिरयानी आई है। सबसे सस्ती बिरयानी में भी नॉन वेज मिल रहा है आपको। भाई साहब, इसके ऊपर आएगा कोरमा, तभी मैं सोचू कोरमा क्यों दे रहा है साथ में। इसके साथ तो रायता मिलता है वेज बिरयानी के साथ। ये मुझे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड थी कि ये सबसे अच्छी होगी। अच्छी होगी, टेंशन नहीं है, सबसे अच्छी होगी। दिल के अरमा में बह गए, कलोल होगी, कलोल नाली की तरह बह गए। मैं बता रहा हूँ ये पचेगी नहीं। कैसी है ये? बहुत सवाल एंड बार पचेगी नहीं इसको, ये पेट खराब हो जाएगा इसका। हाँ हाँ, ये मुर्गा तेरे को घूर घूर के देख रहा है। ये मुर्गा कह रहा है इतना अच्छा कुक डना, ये बहुत ही अच्छा। इससे महंगे वाली बिरयानी है, 10 रुपए महंगी है, वो भी मतलब इसके साथ ही होगी। पर यार, देसी जो स्ट्रीट वाली बिरयानी का मजा अलग ही होता है। सच्ची बात है, सच्ची बात है, बहुत ही अलग मजा है। तो गाइस, ऑनेस्ट रिव्यू इसका ये है कि बहुत ही शानदार बिरयानी, पैसे के हिसाब से कुछ ज्यादा ही सर्व कर रहे हैं, सच्ची बात ये है। पता नहीं, अमेजिंग, हमें तो फ्रांस बीन भी डाल देते हैं तो बहुत है हमारे लिए। प्लेट में भी मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी, एक बंदे के लिए काफी है। हां, एक बंदे के लिए पोर्शन साइज बहुत अच्छा, 70 रुपीस में, लाइक इट्स रियली गुड। होय होय होय। सो गाइस, हल्दीराम वाली बिरयानी भी रेडी हो चुकी है, देखते हैं मतलब क्या ही चीज निकली होगी इसमें। इसमें नॉनवेज तो नहीं निकलेगा पक्का, 100% हल्दीराम में नॉनवेज नहीं निकलेगा, ये तो पक्का है। इसमें बिरयानी भी नहीं निकलेगी ना, पुलाव निकलेगा। अरे यार, इसको मतलब मसाले तो बिरयानी वाले डालते हैं ना ये। ओ हो, रंग देखो, चावल खिले खिले बने हैं यार। पर यार ये देखो, 70 रुपए में एक तो नॉन वेज, 80 और दूसरा आपको सालन मिल रहा है साथ में। हाँ। हाँ। और इसमें कुछ भी नहीं। चलो, मुझे लगता है थोड़ी और गर्म हो सकती थी, पर अच्छी बनी है। मतलब अंडर कुक्ड नहीं है, गर्म जो है थोड़ी और हो सकती थी, बट चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मसाले बहुत अच्छे हैं, और लग नहीं रहा कि ये रेडी टू ईट है यार। बट मुझे ना बहुत अच्छे नहीं लगे, मतलब ऑब्वियसली वो जो फ्रेश चीज होती है ना, वो मजा नहीं है। बट फ्लेवर्स ना, अगर तुझे वैसे कोई खिला दे तुझे पता लगेगा ये रेडी टू ईट है। मेरे को तो नहीं पता लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगेगा किसी ने एक दो दिन पुरानी बिरयानी उठा के दे दी है, मतलब वैसे बेइज्जती करते चावल सिले सिले है यार, पता नहीं, मतलब वो तो रहेंगे मेरे ख्याल से। वो जैसे खड़े हुए चावल होता है ना, वो बात नहीं, कहाँ खड़े होते हैं वो, पहाड़ों पे, आईफिल टावर पे। पर ठीक है, मतलब इन द प्राइस यू आर पेइंग 80 रुपीस, आई थिंक इट्स वर्थ इट। और आई थिंक इससे बेटर है कि अगर आपको कोई रेडी वाला मिल जाए, स्ट्रीट फूड वाला, तो वो खा ले, फ्रेश है, बढ़िया। रेडी से आप तभी खाओ अगर आपको किसी का पता है कि वो बहुत फेमस बिरयानी बेचता है। हाँ। जैसे हमने चंडीगढ़ से जो ली है वो है वो, खान बिरयानी, जो कि बहुत फेमस है। हाँ, वो अच्छा है, उसकी बहुत अच्छी सेल होती है। इवन दो आज इन दोनों के साथ धोखा हुआ है, पर उसकी बिरयानी बहुत बढ़िया है। सही बात है, वेज वाली भी। अब मैं कल जाके खाऊंगी। सो गाइस, इस डब्बे की कॉस्ट है, डब्बे की नहीं, डब्बे के अंदर जो सामान है उसकी कॉस्ट है 700 रुपए। एंड 700 रुपए में ये बहुत ज्यादा सामान दे रहे हैं। सही बात है। बट अगर हम इसकी सिंगल बिरयानी खरीदे ना, उसकी कॉस्ट है 200 रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। वेरी वेरी जेन्युइन कॉस्ट, बारबेक्यू नेशन के हिसाब से 200 रुपए की बिरयानी बहुत अच्छी है। और ये है बारबेक्यू एंड कबाब इन द बॉक्स, तो इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है। देखते हैं कि इसके अंदर चीजें क्या क्या डाली इन्होंने, स्वाद भी है या ऐसी है मामला। यार, सबसे पहले तो ये पनीर ट्राई करना है, जो शादियों वाली फीलिंग दे रहा है। और मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं इनके पाइन एप्पल। यार, पाइन एप्पल तो जान है मेरी। ये कोई बात नहीं, चीयर्स चीयर्स। जमा शादी से उठा के लाया भाई, ये तो इतना जूसी है ना पाइन एप्पल, बिल्कुल ही शादी वाला भाई साहब, बिल्कुल ही। यार ये ना केटरिंग, पक्की बात कह रहा हूँ मैं, बारबेक्यू वालों की केटरिंग है।
हम अपनी शादी में ना बारबेक्यू नेशन से केटरिंग करवाएंगे। किसकी शादी? जब होगी तो अपनी। पाइनएप्पल बहुत बढ़िया लग रहा है। ओए होए 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 पागल हो गया। बारबेक्यू नेशन का बेस्ट चीज है ये पाइनएप्पल। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है। मैंने कभी बारबेक्यू नेशन पे कबाब नहीं ट्राई किए, तो उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ यार मैं। देना होगा जनता को जवाब। हम खाएंगे कबाब। ये कटलेट जैसे लग रहा है। कटलेट ही है मैम, कुछ ज्यादा स्वाद नहीं है। नहीं स्वाद खराब हो गया, सारों ने रख दिए। पाइनएप्पल और पनीर के सामने तो ये फेल है। अब ट्राई करने वाले हम बढ़िया वाली बिरयानी जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। मैं तो ये चीज देखनी है, वो तीन बिरयानी अलग अलग फ्लेवर की एक ही फ्लेवर है। सही बात है ना? ये अच्छी बात है, रायता भी है और सालन भी है। यार सालन से मुझे एक शायरी याद आ गई। मैं करती हूँ बड़ों का पालन और अब हम खाएंगे सालन। इतना झूठ कैसे बोल लेती तू एक लाइन में? पुलाव ही लग रहा है मुझे, सच्ची पुलाव ही लग रहा है ये। भाई पुलाव ही है, पुलाव ही है। बिरयानी तो सिर्फ मैंने खाई है, गोभी फ्राइज बीन। इसकी ना खुशबू भी मतलब बिरयानी जैसी नहीं है। बिरयानी में कम से कम कुछ मसालों की तेज खुशबू होती है। भाई ये अलग अलग है मुझे लग रहा है तीनों। नहीं मुझे तो सेम लग रही है, सेम ही है। गोभी उसमें भी है। देखो ये दोनों सेम कलर लग रहा है ना। ये देखो ये पहाड़ देखो और ये पहाड़ देखो, सेम है। सेम पहाड़ है, सेम पहाड़ है। इन्होंने बिरयानी तीन बॉक्स में दिया है कि तीन अलग अलग लोग खा सके। मेरे ख्याल से बिरयानी में ना तेज मसाले होते हैं। मुझे तेज मसाला एक भी नहीं दिखा, बल्कि हल्दीराम वाली जो थी ना पैक्ड वाली उसमें ज्यादा खुशबू आ रही थी। तेज पत्ता डाला हुआ था इसमें, तो वो भी नहीं डाला हुआ। कलर तो इसका भी सेम ही है, थोड़ा सा इसको भी डाल ही लेते हैं। डाल ले यार, तसल्ली हो जाएगी। ये तीनों में एक ही है। ओ ये तीनों डब्बे एक ही बिरयानी के हैं। इसमें अब सालन और रायता डालो, चलो जल्दी से खाओ। होए होए होए, हमने खड्डा भर दिया है सालन से। रायता कहाँ डालू मैं? जगह रायता दूसरे कॉर्नर पे। ओ हाँ हाँ, बहुत है, बहुत परफेक्ट ना। सालन कम और पनीर की ग्रेवी ज्यादा लग रही है मुझे। खुशबू भी इसकी पनीर ग्रेवी वाली आ रही है। इनका जो शाही पनीर की ग्रेवी होती है ना, पहले तो मैं सिर्फ कल्ले चावल खा के देखूंगी। पुलाव भाई, पुलाव है यार ये तो सच्ची। इसका तो तुम भी पुलाव बोल लो, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। मैं मानता हूँ वेज बिरयानी और पुलाव में ज्यादा फर्क नहीं होता, बट एटलीस्ट तुम ट्राई तो कर सकते हो यार। नहीं यार थोड़ा सा, मैं देखो बीइंग मतलब जो मर्जी है, एटलीस्ट बिरयानी के अंदर ना गरम मसाले डाल के वो फ्लेवर तो देते हैं। हाँ। वेज वाले भी, बट ये पुलाव है हल्दीराम में इससे ज्यादा फ्लेवर थे। हाँ ये तो गलत है, ये मुझे नहीं सवाल सच्ची में। मतलब जो भी है इनका मुझे मजा नहीं है। मतलब इनके 200 रुपए वाली जो बिरयानी होगी वो भी ऐसी होगी फिर। हाँ मतलब एक जगह आपको रेस्टोरेंट वाली फीलिंग आ जाती है, एक बारबेक्यू नेशन का ब्रांड आ जाता है, बट ये बिरयानी के मामले में डाउन है। बिरयानी तो है ही नहीं है। बारबेक्यू नेशन के सिर्फ स्नैक्स अच्छे हैं और उस स्नैक्स को तो थम्स अप है मेरा। पाइनएप्पल तो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है, पर ये नहीं यार, मजा नहीं। ये तो पैसा बर्बाद है। जो सालन भी है ना वो भी बहुत मीठे साइड पे है। वही तो पनीर की ग्रेवी लग रही है, पनीर की ग्रेवी ज्यादा लग रही है। नहीं दिस इज द वर्स्ट बिरयानी आई हैव हैड। मैंने इससे अच्छा 20-20, 50-50 रुपए की नोएडा में गुड़गांव में मिलती है रेडी पे, उससे ज्यादा अच्छी होती है। ये बिरयानी कैटेगरी में ही नहीं है भाई। दिस इज नॉट बिरयानी एट ऑल। ओए होए 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 होए। तो गाइस हमने कैंडल को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, पर उसने असर दिखा दिया है मेरे मतलब गरम तो कर दिया उसने 10 मिनट के अंदर। मुझे एक ग्लव पहनना पड़ गया ओवन वाला कि मेरे हाथ ना जले। एक बार आपको ये भी बता दे 800 रुपए के अंदर हमको और क्या मिला है। हां एक हमें मिला है ये रायता एक डिब्बी। ये सालन भी दिया उन्होंने, पैसे दिए हमने अलग से रायते के, सालन हाँ। साथ में मिला है। हाँ रायते के अलग से पैसे हैं 800 रुपए के बाद भी। और ये है सैलेड, दो डिब्बियां छोटी छोटी सैलेड की, 1 किलो की बिरयानी। 1 किलो बिरयानी है। माय गॉड, पर यार मेरे को ना तोड़ने वाला मजा ही बहुत आता। कम ऑन जीते हैवी करेंगे, कम ऑन। भाई पूरा टास्क ही है इस पे खोलना। सरप्राइज देखते हैं क्या है अंदर। मीनाकारी वाले चावल है, कलरफुल, क्लिक करना। वाओ यार, ओ मतलब ये आसपास हरा और बीच में पीला। क्या बात है, क्या बात है, हरा पीला हो गया है। डोलू सिर पे लगे। ओ हो, बहुत गर्म है नीचे से, डोलू तेरा सिर पे हो जाएगा सारा ही। चावल पे इन्होंने भुना हुआ प्याज डाला हुआ है, थोड़ा सा पता नहीं क्या येलो येलो डाला हुआ है, हल्दी का रंग डाला होगा, चलो जो भी है, पर अच्छा लग रहा है। हिला के पता लगेगा कि इसमें अंदर सब्जियां निकलती है कि नहीं। आया तो है, रंग बदल रहा है भाई साहब, गिरगिट की तरह। भाई साहब अंदर सब्जियां तो है यार, सब्जियां गोभी दिख रही है मुझे, फ्रांस बीन दिख रही है। एटलीस्ट बारबेक्यू नेशन से मुझे बेटर लग रहा है। बारबेक्यू नेशन तो बहुत, और इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। हाँ। और इन्होंने अपने पैकेट में स्पेशल लिखा हुआ था कि वी डू नॉट रीहीट। तो जब आप ऑर्डर करते हो तो ये फ्रेश ही बना के देते हैं। ये डिलीवरी में भी 1 घंटा लगाया, बारबेक्यू नेशन ने भी घंटा लगाया था। ध्यान से देखो नीचे पूरे मसाले हैं। हाँ और ये है इसके साथ मुफ्त सालन है ना। मुफ्त कोई नहीं है, 800 रुपए दिए हमने। अरे मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब प्राइस में इंक्लूडेड था। बात तो सही होंगे कि मुफ्त तो कुछ नहीं है। इसको मैं आगे बेंड करके दिखा सकती हूँ, बिल्कुल ही कड़ी लग रही है। ओए होए होए होए, सही बात है यार, तो कड़ी लग रही है। सही बात है, बिना पकौड़े वाली कड़ी। ओए होए, बहुत ही बढ़िया भाई। तो गाइस देखते हैं इनके सालन में सालन जैसा टेस्ट है या कड़ी जैसा टेस्ट है।
उससे तो बेटर है, मुझे वो बहुत अच्छी नहीं लगी। ऐसा नहीं लग रहा कि 800 रुपए पे करके कुछ बहुत ही शानदार बिरयानी खा रहे हैं। कुछ टेस्ट वाइज मसाले वाइज ना हल्दीराम की बेटर थी इन टर्म्स ऑफ मसाला। इसके चावल की क्वालिटी नो डाउट अच्छी है और रायते के साथ बिरयानी के लिए 400 रुपीज से ज्यादा वर्थ इट ही नहीं है, जितनी मर्जी अच्छी हो 400 भी टॉप एंड। टॉप एंड सबसे बढ़िया बिरयानी मेरे लिए वो थी जो मैंने 70 रुपए में खाई थी, जो बिरयानी थी। हाँ। वो मैं बोल रही हूँ अगर वो हमें वेज में मिल जाती ना तो आई गेस हमारे लिए भी वही 70 रुपीज वाली बेस्ट होती। अगर मैं मुझे खरीदनी हो बिरयानी तो मैं शायद ये नहीं खरीदूंगी प्राइस की वजह से। वैसे स्वाद है, यही अगर 200 रुपए 300 रुपए की हो, 300 रुपए की अगर हो, 300 रुपए की वर्थ है ये, 800 रुपए की तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इन्होंने शोशाबाजी पूरी की है, वो मटकी दे दी, कैंडल दे दी, उसका कोई फायदा नहीं है। एट द एंड वो यूज कहाँ होना है, कहीं नहीं यूज होना। अगर आप इतनी महंगी बिरयानी मंगाई रहे हो तो आप घर पे भी गर्म कर सकते हो। और ऊपर से रायता भी आपको अलग से खरीदना पड़े। हाँ, रायता भी अलग से खरीदना पड़ता है 800 रुपए की बिरयानी के साथ। और गाइस आप लोग कमेंट कर दो आपके वहाँ पे देसी रेडी वाले कौन है और आप उनसे खरीदते हो बिरयानी, क्योंकि वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। मैं ना ट्राई करना चाहता हूँ घूम फिर के, लाइक जो लोगों की सजेशन आएंगी ना कि कहीं की वो रिकमेंड कर रहे हैं, जब हम वहाँ उस सिटी में हुए वहाँ की बिरयानी जरूर ट्राई करना चाहूंगा। तो लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, हैदराबाद वाले, बंगाल वाले, जहाँ मर्जी के हो आप, जहाँ आपको लगता है बेस्ट बिरयानी मिलती है आप कमेंट में बता दो। क्योंकि मैं अगर बात बताऊँ ना सालन से ना आपकी बिरयानी का टेस्ट वो जो फ्लेवर और एनहांस हो जाता है, बट मुझे इनका सालन मजा नहीं यार। मैं तो हैदराबाद जाके बिरयानी खा के आया हूँ, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़िया होती है स्ट्रीट वाली बिरयानी। अगर आपको पता है सबसे बेस्ट कौन बेस्ट है आपके आसपास। इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। रीति रिवाज पूरे कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा देना ताकि जब भी हम अपनी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, फूडी वी के नाम से। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया ना कर दो, गुस्सा बहुत गंदा है मेरा।